हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी सेवन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ सेवन क्लास का प्रश्नावली 1.3। इसका पहला नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। इसमें पहला नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला नंबर, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर देखिए, -40। यहाँ पे ये क्या दिन का दिन है, भाग का। ठीक है, तो इसको बदल देंगे क्या चीज़ में, गुना में बदल देंगे। गुना में बदलने के लिए क्या किया जाता है, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये गुना, ये नीचे वाला नीचे क्या थीपा है, वन, एक थीपा है, तो इसको पलट देंगे तो गुना में बदल जाएगा। ठीक है, तो 1/5। ठीक, अब इस 5 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 8 × 25 = 40। 8 बार में, ये माइनस है तो -8 में 1 से गुना करेंगे तो -8, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको सॉल्व कर दिए उसी तरह, ये भी पलट जाएगा तो गुना बदल जाएगा, -450 गुना बदलेगा 1/3। 1/3, अब इसको काटिए कितना बार में कट जाएगा, 3 से काटिए, 15 बार में, ये माइनस है यहाँ पे तो -15, 1 0 है, 5 × 45 होता है, तो यहाँ पे देखिए ये 3 के इसको काट दीजिए 15 बार में, 5 × 45, अब इसमें गुना करिए कितना आएगा, -150 में 1 से गुना करिएगा तो -150 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3, यहाँ पे -45, यहाँ पे -5, ये भागा का चिन्ह। ठीक, तब इसको क्या करिए, -45 ये क्या होगा, बदलेगा तो क्या होगा, -1/5, ये माइनस यहाँ पे है, कटिए इसको 15 बार में कटेगा, ये माइनस है यहाँ पे भी तो क्या होगा, -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +15, ये अपना आंसर है। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, -56 - 4, उसी तरह करिए, ये -56 गुना बदलेगा, -1/4, कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 × 56 होता है, -8 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में क्या होता है, प्लस हो जाता है तो क्या होगा, 8, ये अपना आंसर हो गया। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसको बना लेते हैं 5, ये फिर उसी तरह होगा, कितना बार में कट जाएगा, 25 × 5, कटेगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, 50 × 25, यहाँ पे 1/5 होगा, 5, ये अपना आंसर। उसी तरह ये कितना बार में कटेगा, कटेगा ना ये, तो ये देखिए उसी तरह करेंगे, -128 भागा में तो गुना बदलेगा, -1/16, ये माइनस है यहाँ पे था माइनस, उसी को लिखा है, ये कितना बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 16 × 8 128 होता है ना, होता है, ये माइनस है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8, ये अपना 8 आंसर आ गया। इसको देखिए क्या होगा, जब ये भी बदलेगा, बदलेगा ना, 1/50 होगा, भाग दीजिएगा कितना आएगा, 1/50 होगा ना, तो इसमें भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखिए, 50 में 0 से भाग देना है। ठीक है, इसमें भाग तो लगेगा नहीं, लगेगा 0 से कैसे भाग दे सकते हैं, तो ये अपना अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, 8 क्वेश्चन, अपरिभाषित, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये अपना यहाँ पे 9 लिखा था तो नहीं आटा तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये 80 है माइनस में, ये भी बदलेंगे, बदलेगा ना, गुना 1/80, ये माइनस में था तो ये 1 कट जाएगा 1 बार में,
वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये अपना आंसर। अब देखिए दो नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणा की प्रक्रिया को भाग की दो प्रक्रियाएं बदलिए। देखो दो प्रक्रियाएं बदल दीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, 5 × 8 = 40 है ना पहला क्वेश्चन, तो क्या करिए इसको भाग में बदलने का और बोल रहा है, वो भी दो को चाहिए उसको। यहाँ पे एक काम करिए, ये क्या चीज़ में है, गुना में है, इधर इसको भाग में भेज दीजिए। इसको एक बार एक इसको भेज दीजिए, एक बार इसको भेज दीजिएगा, तो कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए 8 को भेजिएगा कितना होगा, यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा ना बराबर। अब इस 8 को भेजिए, गुना में है यहाँ पे, तो इधर आएगा भागा में, 8 भागा में आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले 40 लिख रहे हैं ठीक है, भागा में आएगा तो नीचे आता है 8, तो यहाँ पे हम ऐसे भाग का चिन्ह है ना ये, तो यहाँ पे 8 दे देंगे ठीक। अब इसके आगे एक और बोल रहा है, तो हम इस 8 को इसी तरह रहने देंगे ठीक है। अब फिर बार 5 को भेजेंगे इधर ठीक है, तो 40 / 5 ठीक हो गया, दो को हो गया ना, 1 2 ठीक। अब इसको भी देख लेंगे उसी तरह, पहले इसको भेज देते हैं, -4 को यहीं पर रखने देते हैं, इसको भेज दीजिए बराबर -24, यहाँ पे भाग ऐसे, ये भाग का चिन्ह है, -6 ठीक। अब कि 6 को रहने देते हैं यहीं पे ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है ठीक। अब इसको गुना में है, जिधर भाग में भेज दो, 24 / ये माइनस में है ना, ये भागा है इसको 4, दो को हो गया, 1 2 दो को बोल रहा था, दो को दे दिए। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब अपना क्वेश्चन आ गया ये 3 नंबर ठीक है, ये 3 नंबर उसी तरह करेंगे ठीक है। इसको दो एग्जांपल चाहिए तो हम दो एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे देखिए, फिर इसको किसी को एक को रख लेंगे ठीक है, इसको ही रख लो यहीं पे, -12 ठीक। इसको भेज दो इधर, भेजोगे गुना में तो भाग में जाएगा, जाएगा ही जाएगा, -108 भाग में जाएगा, -9 एक हो गया, ये दूसरा बना दो। अब फिर इसको रखो, 9 को हम यहीं पे रख दिए, 12 को भेज देते हैं, -108 12 जाएगा गुना में तो भागा में, -12 ठीक ठीक है, दो को हो गया। अब इसको बना लेते हैं, किसी को एक को रखो यहीं पे, -4 को रख दिए, इधर भेजो 48 -12 होगा ये, सॉरी यहाँ पे भाग उसके बाद -12 ठीक। उसी तरह आपके 12 को रख दो, -12 को यहीं पे रहने दो, इधर गुना में है भाग में जाएगा, 48 लिख दिए, भाग का चिन्ह है ये, -4 तो -4 ठीक, दो हो गया। इसके आगे वाला क्वेश्चन इसको देख लो, इतना सिंपल उसी तरह करेंगे। इसको इसको रख लो यहीं पे, -10 को रख लिए, अब भेज रहे हैं 8 को इधर, गुना में है तो भागा में जाएगा, -80 यहाँ पे है, इसको यहीं पे रहने दो, भागा ये 8 आ गया, एक हो गया, एक और आपकी 10 को रखो यहीं पे, 10 को रख सॉरी 8 को रखो यहाँ पे, या 10 को भेजो, ये गुना में है, इधर भेज 10 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, भागा में आएगा, ये इधर गुना में है ना, भाग में जाएगा, -80 भागा क्या है, -10 बस ये आंसर हो गया ये दोनों ठीक। 3 नंबर देख लेते हैं, खाली जगह में उपयोग पूर्णांक भरिए, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ आप देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे जो इतना आ जाए, -12 क्या रखेंगे यहाँ पे,
तो क्या रख दीजिए, 96 रख दीजिए। क्या 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 नंबर का पहला 96 रखिएगा। एक एग्जांपल हम दे देते हैं, ठीक है, इसका 96 रख दीजिए। ठीक है, ये भागा है ना, भागा माइनस आठ बराबर इसको चाहिए -12, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब खाली जगह पर कोई संख्या रखेंगे तो इतना आ जाए। ठीक है, तो हम 96 रख दिए। अब इसको काटेंगे कि नहीं, गुना बदल जाएगा, भाग में तो गुना बदलेंगे ना, कितना 12/96 तो बराबर -12 आ जा रहा है, -12 तो हम रख देंगे 96 आंसर होगा। उसी तरह इसमें भी रखेंगे, क्या रखेंगे, 9 है यहाँ पे, 72 रख दो, तभी -72 रखो दूसरा में, -72 रखोगे तभी तो -9 आएगा ना, -72। उसी तरह इसमें 6 रखो, यहाँ पे -6 रखोगे 3 नंबर में, 3 नंबर में -6 रखो, 24 -6 रखोगे, आई गुना ये भाग में है तो गुना में बदलने के लिए ऊपर लड़ दिया जाता है, तो 6 इधर आ जाएगा, -24 और 6 चौका 24, -4 आ रहा है, -24 रखो, इसमें -24 रखोगे तो आ जाएगा, इसमें क्या रखोगे, -8 रखो यहाँ पे, इसमें 4 नंबर में -8 रख देना, 5 नंबर में कितना 6 8 48, इसमें भाग देकर देख लो, -8 आएगा, कैसे आएगा ये देख लो, -48 ये गुना में है, सॉरी ये भागा में है तो गुना बदलेगा, पलट जाता है, 6 8 48 माइनस में तो माइनस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य था कौन सा सत्य हल कीजिए। सिंपल है, यहाँ पे देखिए कैसे बनाया है इसको। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, -4 भाग है, यहाँ पे भाग है तो प्लट दो, 1/2 हो जाएगा बराबर ये 2, ये -1, यहाँ पे इसको पलटोगे गुना में बदलोगे तभी तो पता चलेगा, इसको गुना में बदल लो, -1/4। एक कह रहा है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है इसको बताना है, तो हम इसको पलट दिए, इसको काटेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 × 4 माइनस है, -2 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 × 4, तो ये आया अपना -2 बराबर, ये कितना आया, ये -1/2, ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये अपना असत्य हो जाएगा, दोनों बराबर -2 यहाँ भी आता तब सत्य हो जाता, ये तो आया नहीं तो वही असत्य होगा, कोई दिक्कत, असत्य ये अपना आंसर हो गया। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको पहले सल्टा लो इधर, ये रहा अपना 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला, इसको प्लट, इसको गुना बदल दो, क्या यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, हम सीधे गुना में पलट दे रहा है, ठीक, -2 भाग गए तो गुना में आ जाएगा, 1/4 होगा ना, कोष्ट में इसको कोष्ट में ही रखो, ये भी भाग गया मैं, इसको भी बदल दो, 1/6 हो जाएगा बराबर, -2 को 2 को लिखो, -2, उसके बाद बोलो इसको पलट दो, क्या पलटोगे, रुक जाओ यहाँ पे, भाग का भाग है 2, ठीक, इसको पलटो, कोष्ट में कोष्ट रहने दो, 4 लिखो गुना, इसको इधर वाला पलटता है ना कि इधर को पलट देंगे,
तो 1/6 ठीक है। काटो इसको, कौन कौन कट रहा है इसको काटोगे, दो बार में कट गया, कटा कि नहीं, यहाँ पे माइनस है, माइनस है ना, तो इसमें गुना हो जाएगा, तो -1/6 × 12 आया 12 बराबर 2। अब इसको काम करेंगे, -2 का 2 लिखो, ये भाग है तो भाग दे दो। अब यहाँ पे काटो इसको, 2 × 4 × 3 × 6 ठीक। अब काम करो, इसका भाग है, यहाँ पे 2/3 आया, इसको पलटोगे तब तो ये गुना बदलेगा, -1/12 बराबर -2, पलट दो इसको, 3/2 गुना बदलने के लिए पढ़ दिए, तो इसको इसको कट दो, -1/12 बराबर -3, ये भी तो बराबर नहीं है, यहाँ पे -1/12 आ रहा है, यहाँ पे 3 -3 तो असत्य है, ये भी इसको भी लिख दो असत्य, क्या है आंसर इसका। आगे ऑप्शन देखो, 3 नंबर देखो, जब इसमें भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा, सत्य है, मान लो -25 में तुम भाग दोगे 0 से तो 0 आ जाएगा, सत्य है, आंसर हो गया। 4 नंबर देखो, क्या बोला, 0 में 5 से भाग दोगे, वाह ये तो गजब हो गया, 0 में 5 से भाग दो तो भाग तो लगेगा नहीं, अरे अब परिभाषित हो जाएगा, तो ये अपना क्या बोल रहा है, 0 आएगा, नहीं 0 तो नहीं आएगा, अब परिभाषित हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य ठीक। इसके आगे देख लेते हैं, कहाँ तक हो गया, 4 नंबर 5 नंबर देखते हैं, 125, हाँ ये सत्य है, 125 इसको पलटोगे तभी तो गुना बदलेगा, 1/1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाग देने से, नहीं आएगा -125 जबकि बराबर के बगल में है 125 ठीक, तो ये सत्य है, ये अपना सत्य है, ये हो गया। अब 6 नंबर देख लेते हैं, हाँ ये भी सत्य है, क्योंकि देख लो -45 है, हाँ 45 हाँ भाग में है तो गुना बदल जाएगा, तो 1/-45 जबकि 1 = 1 दिया है, यानी इतना आ जाना चाहिए, काटो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 होगा = 1 यानी सत्य है, ये अपना सत्य है, ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत